तो तरबूजा यहाँ पे कुछ इस तरह से दीदी ने काट दिया है। तो अभी हम इसे क्या करने वाले हैं, कैसे खाता है खा के दिखाओ। पहुँच चुके हैं बियर कैंप के सामने, तो यहाँ से हम लोग नीचे जाएगा, थोड़ा मुर्गी लिए हैं तो उसको रेस्टिंग करेंगे और नहाना भी है। फाइनली गाइस हमारा चिकन रोस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत है आप सभी की फिर से मेरे नए ब्लॉग में। फिलहाल तो अभी मैं घर पे हूँ और आज है संडे, तो मैं दीदी और भांजा हमने गया था मार्केट भांजा का हेयर कट करवाने के लिए, लेकिन वो इतना चिल्ला रहा था ना, मैं ब्लॉग भी नहीं बनाया। मार्केट से आ चुके हैं हम और हमने लाया है तरबूजा। तो और जो लोग मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो किए हैं उन लोगों को भी पुराना ब्लॉग मिल रहा होगा मेरा, जो मैं पहले जो ढाला था वो अभी भी पेज में ढाल रहा हूँ। तो आप लोगों को नया ब्लॉग भी मिलते रहेगा और साथ में वो पुराना जो यूट्यूब में है उसे भी मैं अभी पेज में ढाल रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से लाइक कर दीजिए और जो जो नया है फॉलो कर लीजिए मेरे पेज को। तो मार्केट से हम लोग क्या लेके आए भांजू? तरबूज। कहाँ है तरबूजा? तो तरबूजा यहाँ पे कुछ इस तरह से दीदी ने काट दिया है। तो अभी हम इसे क्या करने वाले हैं, कैसे खाता है खा के दिखाओ। कैसे लग रहा है? ये रहा तरबूजा। और आज का अभी का जो मौसम है इतना गर्मी है ना, तो इसमें हम लोगों को बदन में पानी का बहुत जरूरत है, तो उसके लिए हम तरबूजा को बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मीठा भी है। फाइनली गाइस हमारा चिकन रोस्टिंग यहाँ पे हो रहा है और हमारे घर पे एक मेहमान और आ चुका है नया सा, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर। चलो, आपका नाम कालू? कालू ली 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 ली। और यहाँ पे है बड़ा बड़ा डंपर और यह बड़ा वाला जेकी यहाँ पे घुस के बैठा हुआ है। और यहाँ पे बड़ा वाला डंपर, ये डंपर किसका है? इसका है, इसका दो दो डंपर है, दो दो डंपर का मालिक ये है। आपका नाम क्या है? अच्छा से बोलो। आप तो बोला था नूनू दास। वो सब छोड़ो, हमको ये खिला दो। आगे क्योंकि अभी मुझे मार्केट में थोड़ा सा और काम है, तो मैं पे काम को निपटाता हूँ, उसके बाद देखते हैं मौसम कितना मस्त गर्मी होके बैठा हुआ है, धूप इतना तेज़ है। तो दोस्त ने कॉल भी किया था कि आज देवपानी जाएगा, तो शायद आप लोगों को आज देवपानी का नज़ारा मिल भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। इतना ज़्यादा गर्मी है प्लस पाइप में पानी भी नहीं आ रहा है, दो तीन दिन हो गया आज पानी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल अभी निकलने वाले हैं देवपानी की ओर, तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं बियर कैंप के सामने, तो यहाँ से हम लोग नीचे जाएगा, थोड़ा मुर्गी लिए हैं तो उसको रेस्टिंग करेंगे और नहाना भी है तो नहा लेंगे। फिलहाल तो अपना बसंती को वहाँ आगे पार्किंग करके आया है, उसके बाद में यहाँ सब नीचे जाना है। देखो ये लोग जा रहे हैं, काफ़ी डेंजर वाला रास्ता दिख रहा है, मम्मी तो गाली करेगा देख के भी। यो बस हवा निकल गई। तो यो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अभी नीचे निकलते हैं। ये कुकुम्बर है साथ में अपना पेंट भाई साहब। चलो नीचे निकलते हैं पहले। शाम के समय में काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, तो देख सकते हैं ये माउंटेन और सनसेट भी होने वाला है। तो काफ़ी दिनों से कहीं घूमने के लिए मिला ही नहीं, तो ब्लॉग भी नहीं बन रहा था, जैसे आज तो मौका मिल ही गया ब्लॉग बनाने का हमें। और हमारा राहुल भाई वो देखो वहाँ पर लकड़ी कलेक्ट कर रहा है, जो कि हमें मुर्गी को रोस्टिंग करना है। यहाँ पर बहुत दिन के बाद आए हैं तो थोड़ा इन्जॉयमेंट तो बनता है। वैसे तो देखिए पानी खूब मज़ा है, यहाँ पे लोग भी बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, पानी कुछ इस तरह से। ये है हमारे सुरजीत भाई सी सर, जो कि आप लोग पासीघाट में इसको सी बोल के जानते थे को ना। ये सुजर सर बांग्लादेशी निकनेम बांग्लादेशी, और वहाँ पे अपना दो हीरो लोग लकड़ी जमा कर रहे हैं। फिलहाल गाइस अभी कपड़ा खोलते हैं, जाते हैं नहाने के लिए, पहले देखते हैं ठंडा हो जाएगा, अभी नहा लेते हैं पहले। फाइनली गाइस हमारा चिकन रोस्टिंग यहाँ पे हो रहा है, सबसे महा दर्प हो गया, हमसे भी ज्यादा दर्प हो गई है। यहाँ पे रोस्टिंग, गर्लफ्रेंड से शांति नहीं है दोस्त, ऐसा दोस्त लोग ही कैंसिल कराता है प्लान। फिलहाल नहा के तो आ चुके हैं, लेकिन बाल बाल नहीं है, पर टकला टकला दिख रहा सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।
सुजल भाई क्या कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ लहसुन छिलने वाला मास्टर मेरा दोस्त यहाँ आया तो गर्लफ्रेंड से चक रहा है। नहा धोवा के हो चुका है और अभी यहाँ पे ये लोग रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग हो चुका है सर, लगभग हो ही गया है, तो अभी जो खाएंगे उसके बाद निकलने का है यहाँ से। तो फाइनली गाइस यहाँ पे लहसुन कूटा जा रहा है लोकल स्टाइल में। तो हो चुका है अपना रोस्टिंग, मेन प्लानर गायब हो चुका है। बाबा को ठंडा नहीं लग रहा अभी। लल गाइस हमारा रोस्टिंग खत्म हो चुका है और काफी अंधेरा भी हो चुका है अभी यहाँ पे, और अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से घर की ओर। और आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाया क्योंकि खाने में ज़्यादा वेस्ट हो गया था, मैं ब्लॉग के लिए भूल ही गया था। तो फिलहाल तो यहाँ का आग लोग ही बुता चुका है, बुता दिया है राहुल भाई और उसको बुता रहे हैं। तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी अंधेरा हो गया है, 6 बजे है, मम्मी कॉल पे कॉल किए जा रही है। तो मिलते हैं आप लोगों को, तो ब्लॉग को यहीं करते एंड, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ।